बिग बॉस 14 के प्रतियोगी एजाज खान जो अपने काम को लेकर किए गए कमिटमेंट के कारण रियलिटी शो से अस्थायी रूप से बाहर हैं, उनका कहना है कि वह खुद को बिग बॉस 14 के विजेता के रूप में देखते हैं। एजाज को उनके शूट लोकेशन के दौरान स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने पेपराजी के लिए पोज भी किया। बातचीत के दौरान जब एजाज से पूछा गया कि वह बिग बॉस 14 के विजेता के रूप में किसे देखते हैं, तो उनका कहना था, मी हु हैज द पीपल ऑलरेडी देयर इन द बिग बॉस हाउस। नो मैन, एवरीथिंग चेंजेस टू द लास्ट मिनट, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। एवरीवन हु इज देयर डिजर्व्स टू विन, बट एनीवन यू यू सी पोटेंशियल एज अ विनर बिसाइड्स मी, बिसाइड्स यू। अपने काम को लेकर किए गए कमिटमेंट के बारे में एजाज का कहना था, Finishing City of Dreams. In fact, I was shooting till 5 AM. That's why I got a little late. घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, घर की हालत बहुत बुरी है। और कल भी सुबह 5 बजे से वापस शूट करूँगा। No complaints. बहुत अच्छा जा रहा है वो भी। My director Nagesh is very happy with my work. All I'm trying to do is finish my shoot as soon as possible so I can get back. टेलीविजन अभिनेत्री देवलीना भट्टाचार्य को बिग बॉस में एजाज खान के प्रॉक्सी के रूप में भेजा गया है। INS रिपोर्ट।